गाइस, क्या आपको पता है कि एक हैकर यूट्यूब चैनल को कैसे हैक करता है? इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स का चैनल हैक हो चुका है, तो यूट्यूब चैनल को कैसे हैक करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक हैकर यूट्यूब चैनल को हैक करता है। ठीक है, तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कुछ इस टाइप का एक ईमेल लिख लेना है। अगर आप चाहें तो अपने तरीके से भी ईमेल लिख सकते हैं, बट आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है सो प्लीज योर कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, आपको यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देना, बल्कि उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको मांगना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस ईमेल को आपको सेलेक्ट ऑल कर लेना है। ठीक है, और यहां से आपको इस ईमेल को कॉपी कर लेना है। जैसे आप इतना करते हैं, यहां से आपको बैक करना है, उसके बाद आपको अपनी जीमेल को ओपन करना है। ठीक है, चलिए यहां पर अपनी जीमेल को ओपन कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, उस बात को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ही कमाल की चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए आप जिस भी यूट्यूबर को आप जिसके भी चैनल को हैक करना चाहते हैं, उस यूट्यूबर को आपको ईमेल भेजना है। लाइक मैं एक्स वाई जेड किसी को भी भेजना चाहता हूं, तो उसका जीमेल यहां पर हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो भी डालना है, जैसे प्रमोशन पर डालना है, ठीक है, तो आपको यहां पर प्रमोशन लिख देना है। और यहां पर आपको जो ईमेल आपने कॉपी कर रखा है, उस ईमेल को आपको यहां पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे आप इतना काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस जीमेल को आपको उस क्रिएटर को सेंड कर देना है। जैसे यहां पर आप देखते हैं, मैंने जो अपना जीमेल है उस क्रिएटर को यहां पर सेंड कर दिया। ठीक है, अब जैसे जीमेल उस क्रिएटर के पास जाता है, वो हमारे जीमेल को देखेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहां से आपको बैक करना है। ठीक है, अब जैसे आप बैक करते हैं, उसके बाद आपको एक काम करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप न्यू टैब को ओपन करते हैं, ऊपर आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहां पर आपको सर्च कर लेना है YouTube.com आपको लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करना है और इसे आपको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। जैसे आप इसे डेस्कटॉप साइट में कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उस चैनल के नाम सर्च करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पर हमने लिखा अजय राज प्रजापति। ठीक है, अजय राज प्रजापति लिख के यहाँ पर हमने सर्च किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये चैनल आ चुका है। ठीक है, मैं इस चैनल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ये चैनल ओपन होकर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या, ऊपर आप देखें यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट कम्युनिटी चैनल अबाउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अबाउट के सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने व्यू ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एम द रोबोट पे क्लिक करके वेरीफाई आपको कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस सबमिट के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जीमेल आ गया। ठीक है, जैसे आपके सामने इनका जीमेल आता है, तो आपको करना क्या, इस जीमेल को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहां से आपको बैक करना है। अब आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पर आपको जीमेल पर आना है, जो ईमेल आपने सेंड किया है उस पर ये क्या करेंगे, आपको एक मोबाइल नंबर सेंड करेंगे। ठीक है, जैसे उस मोबाइल नंबर को सेंड करते हैं, तो आपको करना क्या, यहां से आपको बैक करना है और आपको इस जो क्या करना है, ऊपर आपको अपने और नीचे की ओर आप देखने को मिल जाता है एड अनदर अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपको गूगल पे क्लिक कर देना है और यहां पर आपको उस जीमेल को डाल देना है जो कि आपको चैनल पे मिला हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर आपको नीचे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखिए आपके सामने एक नंबर देखने को मिलता है जिसके लास्ट में 28 देखने को मिलता है। तो अगर वो यूट्यूबर आपको यही नंबर देता है, तो आप इस पर क्लिक करके वेरीफाई करके उस चैनल को हैक कर सकते हो। तो इस तरीके दोस्तों जो हैकर होते हैं वो दूसरों के चैनल को हैक करते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रोसेस समझ में आएगा। तो जाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।